जय महाकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ का व्रत सबसे पहले पौराणिक काल की महान पतिव्रत महिला सावित्री ने रखी थी। सावित्री ने अपने पति की मृत्यु हो जाने पर भी यमराज को उन्हें अपने साथ नहीं ले जाने दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से प्राप्त किया। करवा चौथ का व्रत महिलाएं सावित्री को समर्पित करके रखती है। पति की लंबी उम्र की कामना से सुहागिने करवा चौथ का व्रत करती है। इस व्रत के कुछ विशेष नियम है। मान्यता है कि भूलकर भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रती महिला को व्रत का फल नहीं मिलता है। करवा चौथ व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भूलकर भी उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या साप देने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।